हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड में। यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.68% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 11.13.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो जरूर देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे अगर मैं कहूँ कैंडल हमारी जो है मीडियम साइज की बनी है, दोनों के साइड में हमें विक भी जो देखने मिल रही है। करंटली आरएसआई यहाँ पे 50-51 के आसपास मतलब एकदम ही न्यूट्रल हमारा आरएसआई जो हो चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर दोनों साइड का इशारा देता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको बता दूँ इस स्टॉक में हमें फिलहाल जो बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, चाहे लॉन्ग के लिए हो या फिर शॉर्ट के लिए हो। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिसकी मदद से यहाँ पे आप आने वाले दिनों में किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। स्टॉक में यहाँ पे अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा इंक्लाइन अभी भी नेगेटिव साइड में हूँ। यहाँ पे जरूर थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट आके फिर नीचे हमें स्टॉक गिरते हुए देखने मिल सकता है क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ट्रेंड जब तक नेगेटिव है तब तक हमें शॉर्टिंग की जो खाली अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो नीचे की साइड में फिलहाल बता दूँ स्टॉक हमें गिरते हुए जो है 1093 तक देखने मिल सकता है। अगर उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी तो यहाँ पे स्टॉक में जो इजीली और डाउनसाइड जो है 1065 तक का जो देखने मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक में कॉशियसली काम करें और लॉन्ग के लिए फिलहाल बिल्कुल भी ना जाए। यहाँ पे जब तक यहाँ पे हमें जो है लॉन्ग के लिए तब तक नहीं जाना जब तक यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है 1135 के ऊपर जो है दो दिन तक सस्टेन ना करे। दो दिन तक यहाँ पे 1135 के ऊपर जब तक स्टॉक ना रहे तब तक हमें लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे तब तक जो है हमें शॉर्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्योंकि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट होगा चाहे मैं कहूँ इंट्राडे वाइज या फिर पोजिशनल वाइज, यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा जो है नेगेटिव साइड के लिए ही जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बाकी करंटली 20 MA के ऊपर जरूर जो स्टॉक आ चुका है लेकिन अभी भी ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव और ऊपर 50 MA का भी जो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, इसका मतलब स्टॉक थोड़ा सा 1128 तक आते हुए फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस जो फेस करते हुए नीचे गिरते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो स्टॉक में कॉशियसली काम करना, मेरा इंक्लाइन यहाँ पे जो है जरूर नेगेटिव साइड के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो है हमें इस स्टॉक में जो इतना नीचे तक जाते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जितना आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिले उसे ही आप ग्रैब करें। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आपका क्या ओपिनियन बनता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी हमारे वीडियोस को जो मिस ना करें इसलिए आप बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर जो याद से ऑन कर ले। अब चलिए जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे बात करते हैं स्टॉक में हमें आने वाले दिनों का जो हमने बात कर ही लिया है 1 आवर के चार्ट में हम बात करते हैं मंडे के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन सारे के सारे मार्क्ड है, ऐसे हमें कोई भी मार्किंग जो करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे 11:11 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 11:07 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 11:15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर
कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1097 का, उसके बाद क्या आता है 1086 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1129 का, उसके बाद क्या आता है 1142 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लैंड जिस तरह से मैंने कहा नेगेटिव साइड में हूँ, यहाँ पे चांसेस बहुत ही हाई है 1097 से लेकर 1107 के बीच में क्लोजिंग जो देखने मिले, लेकिन प्री ओपन मार्केट में ये स्टॉक जो किस तरह से परफॉर्म करेगा वो मैं यहाँ पे जरूर देखूंगा। क्यों यहाँ पे देखूंगा? क्योंकि एग्जैक्ट मिडल में यहाँ पे जो हमारे नो ट्रेडिंग एरिया के मिडल में यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे अगर 5-6 पॉइंट डाउन या फिर 5-6% अप में यहाँ पे अगर ओपनिंग भी हुई तो यहाँ पे उस साइड में जो हमारा स्टॉक जो है जा सकता है। मतलब अगर गैप अप हुआ तो अपसाइड मूवमेंट देगा, गैप डाउन हुआ तो डाउन साइड मूवमेंट देगा। गैप डाउन यानी कि 1107 के नीचे दिया तो और 1115 के ऊपर गैप अप दिया तब भी अगर यहाँ पे न्यूट्रल सा हुआ तो फिर यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे स्टॉक फिर हमें जरूर जो गिरते हुए जो है देखने मिलने वाला है। लेकिन प्री ओपन मार्केट में किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इवन तो यहाँ पे जो है फिर भी इंक्लाइन जो है यहाँ पे नेगेटिव साइड में, और इस रेंज में मुझे यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई लग रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग हमें जो देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।